सेंट जॉन्स कॉलेज परिसर में बुधवार को महान साहित्यकार बाबू गुलाब राय की जन्म जयंती मनाई गई। बसंत पंचमी से एक दिन पूर्व हिंदी के महान साहित्यकार रहे बाबू गुलाब राय की जन्म जयंती के अवसर पर कॉलेज के हिंदी विभाग में बाबू गुलाब राय स्मृति संस्थान ने कॉलेज के सेमिनार कक्ष में इसका आयोजन किया। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान शर्मा के निर्देशन में समारोह पूर्वक उनका भावपूर्ण स्मरण किया। जन्म जयंती के अवसर पर बाबू गुलाब राय की तस्वीर पर माल्यार्पण करने के बाद पूर्व हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मधुरिमा शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में इस अवसर पर कहा कि बाबू गुलाब राय विशुद्ध साहित्यकार थे। उन्होंने हिंदी भाषा की प्रगति के लिए बिना किसी वाद से जुड़कर सतत प्रयास किया। उन्होंने खुद पर ही व्यंग्य लिखकर समाज को दिशा दी और इसमें बहुत सारे छात्र छात्राओं ने बाबू गुलाब राय जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के ऊपर तैयारी की है और वे अपनी प्रस्तुतियां देंगे। बाबू गुलाब राय जी ने सेंट जॉन्स कॉलेज में एक लंबे समय तक अध्यापन किया और सेंट जॉन्स कॉलेज उनके साथ एक बहुत ही गहन जुड़ाव को महसूस करता है। बाबू गुलाब राय जी ने अपने विचारों के द्वारा, निबंधों के द्वारा हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और वैचारिक जगत में चिंतन को नई ऊँचाइयाँ दी। और आज के दिन हम सभी को बाबू गुलाब राय जी जयंती की शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि उनकी इस विरासत को आगरा शहर के लोग सहेजेंगे और निरंतर उसको संवर्धित करने का कार्य करेंगे। दिन है कि बसंत पंचमी के एक दिन पहले हम लोग बाबू गुलाब राय को सेंट जॉन्स के हिंदी विभाग में याद कर रहे हैं। बाबू गुलाब राय जी का हिंदी विभाग से वहाँ प्राध्यापक के रूप में उन्होंने पढ़ाया था तो बड़ा गहरा संबंध रहा है सेंट जॉन्स कॉलेज से, और आज यहाँ पर छात्र हैं और तमाम अतिथिगण हैं जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहती हूँ कि हिंदी के जो मूर्धन्य साहित्यकार हैं उनकी श्रेणियों में यदि किसी को गिना जाएगा तो बाबू गुलाब राय का नाम सबसे पहले आएगा। और बाबू गुलाब राय जी को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने एक कलाकार के रूप में माना था। सेंट जॉन्स कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर एसपी सिंह ने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि ज़रूरत है कि आज की पीढ़ी बाबू गुलाब राय द्वारा साहित्य में दिए गए जीवन मूल्यों को आत्मसात करे, विद्यार्थी उनसे अभिव्यक्त की कला सीखे। कॉलेज की छात्रा तान्या गुप्ता, शिवानी गर्ग, सिमरन निखिल, तनु जांगिर, प्रतीक राठौर और रहनुमान ने भी बाबू गुलाब राय के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता शर्मा ने, संयोजन डॉक्टर रमा रश्मि ने, संचालन डॉक्टर डॉली शर्मा ने स्वागत और डॉक्टर दीप्ति मसीह ने आभार व्यक्त किया। समारोह में बाबू गुलाब राय के प्रपोत्र पार्षद संजय राय, बाबू गुलाब राय स्मृति संस्थान के नवनियुक्त मंत्री कुमार ललित और राजेंद्र शर्मा भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।